हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है SS यूनिटेक और मैं हूं सुशील। तो दोस्तों, मैंने कुछ गलतियां कर दी थी जिसकी वजह से मेरा $149 का नुकसान हो गया है और मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट भी डिसेबल कर दिया गया है। दोस्तों, मैं बहुत परेशान था जब मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल कर दिया गया और मुझे ये भी नहीं पता था कि किस वजह से मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल हुआ है। बाद में मुझे पता चला कि मेरा अकाउंट किस वजह से डिसेबल हुआ है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि अगर आप भी अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करने जा रहे हैं तो ये गलतियां आप करें जो गलतियां मैंने की थी। तो आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे मैंने वो गलतियां की और जिसकी वजह से मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो गया और उसमें $149 भी पड़े हुए हैं। मैं आपको लाइव दिखाऊँगा अभी यहाँ पर। तो दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं गूगल एडसेंस अकाउंट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट है मेरे यूट्यूब चैनल का। यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो चुका है। तो यहाँ देख सकते हो, योर एड्स यूनिट आर नॉट डिस्प्लेइंग एड्स बिकॉज यू हैव फेल्ड आइडेंटिटी वेरीफिकेशन। तो आइडेंटिटी वेरीफिकेशन मेरा फेल हो गया है। गूगल 3 बार ऑप्शन देता है आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी अपलोड करने के लिए, बट मैंने क्या गलती की थी, पहली बार जब मैंने आइडेंटिटी वेरीफाई करनी चाहिए यहाँ पे, तो मैंने अपनी मॉम के नाम से आइडेंटिटी यहाँ पे उनकी आइडेंटिटी मैंने अपलोड कर दी थी और वहाँ पे मैंने उनकी सारी डिटेल फिल कर दी थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा फेल हो गया। मेरे पास गूगल से मेल आई कि यू हैव फेल्ड योर आइडेंटिटी वेरीफिकेशन बिकॉज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट विजिबल। तो मुझे लगा कि अब मॉम को डॉक्यूमेंट विजिबल नहीं है तो मैं अपने पापा के नाम से अपलोड कर देता हूँ डॉक्यूमेंट। मैंने वहाँ पे सारी डिटेल चेंज की और मैंने अपने पापा का डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड कर दिया। जैसे ही मैंने अपने फादर का डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड किया, तुरंत मेरा आइडेंटिटी वेरीफिकेशन फेल हो गया। तो दोस्तों, 3 बार ऑप्शन मिलता है लेकिन आप वहाँ पे डिटेल अपनी चेंज नहीं कर सकते हैं एक बार आइडेंटिटी अपलोड करने के बाद। मैंने क्या गलती की थी, आइडेंटिटी मैंने अपलोड की पहले मम्मी की, उसके बाद अपने फादर की, जिसकी वजह से 2 अटेम्प्ट में ही मेरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो गया। तो फेल होने के बाद मैं बहुत परेशान हुआ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं क्या करता। फिर मैंने गूगल टीम से बात की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने स्टार्ट की थी गूगल टीम से बात करना, तो मेरे पास बहुत सारी मेल चेन यहाँ पे है, मैं आपको दिखाऊँगा 1 बाय 1 करके, जिससे मैं गूगल टीम से मैंने सपोर्ट ली। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरी मॉम के नाम पे था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पहला मेल उनकी ओर से आया, फिर उन्होंने कुछ डिटेल मांगी, तो यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल उनको प्रोवाइड करवा दी। उसके बाद आप देख सकते हो कि फिर मेल आया मेरे पास, फिर मेल आया। तो ऐसे करके मेल एक्सचेंज मेरा बहुत सारा चलता रहा। तो बहुत सारी मेल्स आप देख सकते हो, ये सारी मेल्स मैंने गूगल से बात की लेकिन लास्ट में उन्होंने मना कर दिया कि आइडेंटिटी वेरीफिकेशन आपका और अटेम्प्ट नहीं मिल सकते हैं। यहाँ देख सकते हो कि थैंक्स फॉर योर मैसेज, We really appreciate your interest, but unfortunately, we don't have any more information at this point. We have already shared all the details in the previous mail. तो previous mail में उन्होंने मुझसे यही कहा था कि आपकी identity verify नहीं की जा सकती है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि sorry, I don't have better news for you. Feel free to let me know. तो ये सारी problem मेरे पास आई जिसकी वजह से मेरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आगे प्रोसीड नहीं हो पाया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास $149 पड़े हुए हैं लेकिन ये मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि मैं इनका कहीं भी यूज़ नहीं कर सकता हूँ। जब मेरी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होगा तो मेरे पास गूगल से पिन नहीं आएगा एड्रेस वेरीफिकेशन के लिए। तो सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिटी वेरीफिकेशन का, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है। तो यहाँ पर फेल होने के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब ये मनी जो भी है $140, ये मेरे लिए टोटली वेस्ट है, मैं इसका कुछ भी यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आए और आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जैसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था। तो इसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफिकेशन करने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप अपने उस पर ध्यान रखिए कि एक बार आप एड्रेस भरने के बाद, अपना नेम भरने के बाद, आप चेंज नहीं करना है उसको। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम आपने अपने नाम से डाल दिया, फिर आपने देखा नहीं वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो गया, सेकेंड टाइम आपने सोचा मम्मी के नाम से डाल दें, फिर आपने मम्मी के नाम से डाल दिया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपने एक बार डिटेल जो फिल कर दी है, आपको
उसी डिटेल के हिसाब से अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और जो भी यूट्यूबर अपने आइडेंटिटी वेरीफाई करने जा रहे हैं वो ये गलती रिपीट ना करें जो मैंने रिपीट की है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पैसे भी नुकसान हो गए हैं मेरे, तो इनका कोई यूज़ नहीं कर सकता हूँ मैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।